इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा संघ और आलाकमान की पसंद। राजस्थान में भजन काल शुरू हो गया है क्योंकि अब मरुधरा की कमान भजन लाल शर्मा के हाथों आ गई है। तमाम सस्पेंस और समीकरण के बाद ये तय हुआ कि संघ के चहेते मोहन भागवत द्वारा राजस्थान के सीएम होंगे भजन लाल। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यकाल में हुई विधायक दल की बैठक में बीजेपी हाईकमान के तय किए गए नामों का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजन लाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, वो मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। वो प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। विधायकों के ग्रुप फोटो में भजन लाल शर्मा चौथी लाइन में बैठे थे। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बेरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव नानी विधानसभा स्पीकर होंगे। बीजेपी के तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए गए हैं। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद भजन लाल शर्मा सहित सभी बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को ही भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। भजन लाल शर्मा को सांगानेर से विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काट कर उतारा गया था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन के जरिए ब्राह्मण, राजपूत और दलित कार्ड खेला है। ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री और राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दे दिया। वहीं प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित कार्ड भी खेला है। आपको बता दें कि राजस्थान में 33 साल बाद ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस से हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम रहे। सबसे पहले वह 1973 से 1977 तक रहे, फिर 1985 से 1988 तक रहे और फिर 89 से लेकर 90 तक सीएम रहे। आपको बता दें कि विधायकों की ग्रुप फोटो में भजन लाल शर्मा चौथी लाइन में बैठे थे। सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान होने पर उन्हें खुद को विश्वास नहीं हुआ। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेंगे। राजस्थान के सीएम बनने पर भजन लाल शर्मा को बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तरफ से सोशल मीडिया पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मोदी जी के मार्गदर्शन में नए भारत की नई कहानी में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए तैयार हो रहे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को हृदय पूर्वक अनंत बधाई। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि भजन लाल शर्मा के सभी की सहमति से राजस्थान का मुख्यमंत्री चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई, एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। भजन लाल के सीएम बनने के बाद एक संदेश बेहद साफ है कि संघ और आलाकमान मिशन 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है और नया चेहरा भजन लाल उसी का ही हिस्सा है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर न्यूज चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।